कितना गुस्सा। देखिए कितना है ज्यादा एग्रेसिव है, देखिए ये जो है लोगों की रूह को कांपा दे एकदम एकदम इतना ज्यादा ये आइएगा कैमरा में लीजिए जाते हुए लीजिए। देखिए किस प्रकार ये जाएगा। सांप को पकड़ने के लिए हमेशा टोंग का इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये जंगल की ओर जो है चला गया है और किस प्रकार देखिए ये जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार दोस्तों। दोस्तों आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। और आज जो हम लोग काफी घना जंगल में आए थे और ये अंकल जो है एक रेस्क्यू किए थे जो कि बालीडी से रेस्क्यू हुआ था। कौन सा स्नेक था? रसल वाइपर जिसको सीआर चांदा के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों ये जो रेस्क्यू था हाईली वेनमस स्नेक है। इस सांप में जो है हीमोटॉक्सिक नामक जहर भी पाया जाता है और बहुत ज्यादा ही डेंजरस सांप है। तो इसको आज जो हम लोग काफी घना जंगल में लेके आ गए। तो कैमरा में से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जंगल को आप दिखा दीजिए और इतना बड़ा जंगल में ये सांप जो है अपना आगे की जिंदगी को सुरक्षित इस वातावरण में गुजार सकता है। और दोस्तों सांप को बचाइए, जैसे इन फ्यूचर जो है लोग सांप को देख भी पाएंगे। तो अपना एक बार नाम बता दीजिएगा। मेरा हन्नान है, स्नेक मास्टर। अच्छा, इनका हन्नान के नाम से यूट्यूब चैनल है ना? जी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ये भी एक इस एरिया में, ये जगह कौन सा है? बांदी और जेनामुर पड़ता है ना प्रखंड। जेनामुर प्रखंड में ये जंगली जो भी मतलब बेजुआन जो भी जानवर है ये लोग का मतलब कहीं भी अगर ऐसे कुआओं में गिर जाता है या फिर स्नेक कहीं भी निकल जाता है तो ये स्नेक सेवर जैसा सबको सेफली रेस्क्यू करके इस तरह घना जंगल में ला के फिर ये भी सुरक्षित जो है आजाद कर देता है। दोस्तों वीडियो पे कंटिन्यू है, चलिए सांप को निकालते हैं। चोट लगा था इसको। अच्छा चोट भी लगा, ये फंसा हुआ था ना जाली में। अच्छा ये जाली में फंस गया था जिसके कारण इसको चोट भी लग गया। उसमें रात में दवा लगाए थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बात, इसलिए भी चल पा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हो कितना ही ज्यादा फुकार, देखिए ये जो है कुकर के सीटी की तरह जो है फुकार मारता है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग इसको रसल वाइपर के नाम से जानते हैं और इसको बहुत जगह सीआर चांदा, बहरा जोड़ा, कोढ़िया सांप ये सब कई नामों से जानते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है जो कि दोबिया रसल से, और इसी को हमारा वेस्ट बंगाल में सीआर चांदा के नाम से जानते हैं। हाईली वेनमस स्नेक है, स्नेक में हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। ये सांप अगर कभी भी किसी को बाइट कर देता है तो वो जगह जो है गैंगरिंग होना लगता है ना, बहुत ज्यादा गैंगरिंग होने लगता है। और कुछ बताइए इस सांप के बारे में। सब तो आप तो बता रहे हैं, बताइए आप। अच्छा, और कभी भी ऐसा जहरीला सांप काट देता है तो कहाँ जाना चाहिए? जिला हॉस्पिटल, हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाए। ओझागुनी झाड़ फूक तंत्र मन के चक्कर में पड़िएगा तो गाँव में जो है भोज होना निश्चिंत है। इसलिए ऐसा जहरीला सांप किसी को भी काट देता है तो सीधा आप जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एकदम झाड़ फूक के चक्कर में पड़िएगा, जान अपना खो दीजिएगा। और देखिए कितना ही ज्यादा फुकार मार रहा है। कोई झागुनी काम नहीं करेगा, बचाइए नहीं पाएगा। वो बचाएगा बिना जहर वाला सांप काटेगा तो, बिना जहरीला सांप काटेगा तो बचा नहीं बचा पाएगा, एकदम मौत निश्चित हो जाएगा। ये इतना ज्यादा डेंजरस सांप है कि किडनी को भी फेल कर देता है। हाँ, तो किडनी फेल कर देगा, एकदम किडनी फेल हो जाएगा, ब्लड जो है एकदम गाढ़ा करेगा और जाम कर देगा। और देखिए कुकर की सीटी की तरह वार करेगा, आवाज देखिए। गुस्सा देखिए कितना ही ज्यादा एग्रेसिव है, देखिए ये जो है लोगों की रूह को कांपा दे एकदम एकदम इतना ज्यादा ये देता है एकदम।
और इसको पहचानने का तरीका है, देखिए सांपों को पहचानने में गलती से भी आप लोग भूल ना करें। ये जो सर्कल सर्कल बना हुआ है इसी से जो हम लोग पहचानते हैं इसको। और ये ठंडा के दिन में ज्यादा निकलता है ये सांप। जी जी, ठंडा जैसे जैसे आता है वैसे ये सांप जो है ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा सांप है जो सबसे ज्यादा बच्चा देता है। जी जी, ये जो है एक बार में 90 से 100 पीस बच्चा दे देता है। ये बच्चों को डायरेक्ट जन्म देने वाला सांप है, क्योंकि हमारा जो झारखंड में पाया जाता है ये मैक्सिमम सांप अंडा देने वाला मिलता है। बट ये सांप जो है बच्चा दे देता है, 100 पीस बच्चा दे देता है। सोचिए कितना ही ज्यादा इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हो आगे से आगे तक शेयर कीजिए। और सांपों को मारे ना, सांप को अगर मारिएगा तो इन फ्यूचर क्या होगा, सांप को देखने के लिए म्यूजियम जाना होगा, नहीं तो गूगल में सर्च करना होगा कि सांप कैसा दिखता है। इसलिए अगर सांप को बचाइएगा तो इन फ्यूचर जो है लोग सांप को भी देख पाएंगे। और सांप कलरफुल देखता है क्या, इसका रंगीन दिखाई देता है कि नहीं? चलिए, दुनिया का कोई भी सांप जो है कलरफुल नहीं देख पाता है, सब सांपों को ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है ओनली। और ना ही इसके पास दिमाग होता है, ना ही कान होता है सुनने को, आंख जो है ये भी जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही देखने का काम आता है। देख कितना ज्यादा ही अग्रेसिव है। मार रहा है आपने, हाथ से पकड़ते क्या, दांत तो जैसे दिखा देते। ये दिखा बिना जरूरत में हम लोग दिखाते नहीं। तो दोस्तों जो भी लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हो, सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा नकल मत कीजिएगा, क्योंकि जहां भी हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं बच्चे लोग देख के नकल करते हैं, बोलते ये पकड़ लिया तो हम भी पकड़ लेंगे। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग का सांप को गलती से भी फ्री हैंडलिंग ना पकड़ने का कोशिश करें, नहीं तो आए दिन जो है बड़ी बड़ी दुर्घटना ऐसे ही होता है। नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इसलिए विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग का सांप को गलती से भी हैंडल ना करे। बहुत कोई इसको जो है सैंड बोआ समझ के पकड़ने आ जाता है। सैंड बोआ भी कुछ ऐसा ही दिखता है, साइड में आपको स्क्रीन में फोटो दिख रहा होगा, सैंड बोआ भी कुछ इसी के प्रकार का दिखता है। और लोग भूल के कारण जो उसको पकड़ने चल जाते हैं और उसी में जो है बड़ी दुर्घटना घट जाती है। इसलिए सांपों को गलती से भी मत पकड़िए दोस्तों। सोचता है सैंड बोआ यानी थुथुर। हाँ, थुथुर सांप, इसमें जहर नहीं होता है। कोई आजकल का बच्चा समझ लेता है जहर नहीं होता है, इसलिए हाथ लगा लेता है। कितना हादसा हो चुका है ऐसे में बहुत। और दोस्तों और एक बात बता देंगे, बहुत कोई कहता है कि इतना मोटा दिख रहा है, इतना छोटा बिल में देखेगा सांप घुस जाता है। बहुत कोई बोलता है इतना मोटा दिख रहा है, इतना छोटा बिल में घुस कैसे जाता है? तो बात ऐसा है कि सांप के बॉडी में हड्डियां नहीं पाई गई है, इसके बॉडी में जो है कांटा है, और कांटा जो है बहुत कम एरिया में फोल्ड हो जाता है, बहुत ही कम एरिया में फोल्ड होता है, जिसके कारण जो ये घुस जाता है और छोटे से छोटे जगह में जो है सर्वाइव भी कर लेता है। और सांप जो है दूध, दुनिया का कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, बहुत कोई जबरदस्ती दूध पिला देता है नाग पंचमी में, और सपेरा लोग जो आते हैं सांप लेके दूध पिला देता है और लोगों को अंधविश्वास फैला देता है। तो ये सब जो कि एकदम गलत है, सांप को दूध मत पिलाइए, सांप को पानी पिलाइए, क्योंकि इसका बॉडी में जो है एंजाइम पाया ही नहीं गया है कि ये दूध को हजम कर सकेगा। और अगर जबरदस्ती दूध पिला दीजिएगा तो इसको निमोनिया हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, लास्ट जो है सांप मर जाएगा, इसलिए सांप को पानी पिलाइए। तो दोस्तों अब जो वक्त आ गया इसको जो है रिलीज करने का, और इस काफी घना जंगल में ये सांप जो है अपना आगे की जिंदगी को सुरक्षित आजादी से गुजार सकता है। तो चलिए, और इस सांप को जो है गलती से भी हाथ से छूने का प्रयास ना करें। देख रहे कितना ज्यादा ही एग्रेसिव है, और देखिए ये किस तरह पल पल जीभ को अपना निकाल रहा है। कैमरा मैन थोड़ा कैद कीजिएगा, और देखिए, और सांप जो है अपना जीभ से ही जो है अपना आगे की रेडिएशन, वाइब्रेशन, वायु तरंग और ध्वनि तरंग को फील करता है। चलिए इधर आइएगा कैमरा में, और लीजिए जाते हुए लीजिए, देखिए किस प्रकार ये जाएगा। सांप को पकड़ने के लिए हमेशा टोंग का इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये जंगल की ओर जो है चला गया है, और किस प्रकार देखिए ये जा रहा है, नहीं चल जाएगा वो। सो होप गाइस आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती तो वीडियो पे एक लाइक करना ना भूले। चैनल पे नहीं रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाले घंटे को दबा दे, जैसे इसी तरह स्नेक से रेप्टाइल से जुड़ी जानकारी आपके फोन तक सबसे पहले आए। मिलते हैं गाइस जल्दी ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कोई बेजवान को बचाते हुए। मैं परवेज स्नेक सेबर डिस्ट्रिक्ट बोकारो से
सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे और सांप से मिश्रा दूरी बनाए रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।